श्री जी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, न कोई आचरण जानता हूँ, न कोई भजन जानता हूँ, न कोई पूजा जानता हूँ, मैं बड़ा मूर्ख हूँ। श्री जी हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आप दर्शन दो बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल रोता है। बड़ा बेईमान हूँ मैं कि जिन कृष्ण ने हमको बनाया है उन कृष्ण की गायों की सेवा करना छोड़ दिया। तो थोड़ी दूर जा करके रोने लग गए, तो इतने रो इतना दुख हुआ उनके मन में कि रोते 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 आंखों में से पानी खत्म हो गया, तो इतना दुख खून निकलने लग गए। जय जय श्री राधे। दोस्तों आज हमें खिलन वन में और हमारे पास श्री कृष्णदास बाबा भी हैं। तो आज हमारे एक भक्त ने हमसे एक प्रश्न पूछा था कि राधा रानी के सामने रोने से या भगवान के सामने रोने से क्या भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो हम बाबा से इस प्रश्न को पूछेंगे, उनके आगे हम इस प्रश्न को लेके आए। तो बाबा एक भक्त ने हमसे एक प्रश्न पूछा है कि अगर हम राधा रानी के मंदिर में जाएं और उनके आगे रोएं तो क्या हमें भगवत प्राप्ति है सके, भगवान की प्राप्ति है सके, राधा रानी की प्राप्ति है सके? हाँ, जल्दी से जल्दी। अच्छा। जैसे प्रमाण के लिए आप उदाहरण के लिए समझिए, जैसे एक मैया के चार बेटा हैं, तो चार बेटा को चारों बेटा रो रहे हैं, छोटे छोटे बेटा हैं एक मैया के, चारों बेटा रो रहे हैं। तो मैया ने उपाय किया कि मेरे बेटा चुप कैसे हूँ, मैया ने उपाय किया कि चुप कैसे हूँ। तो मैया ने खिलौना दिया, एक को चकडोरी दे दी, एक को भौरा दे दी, एक को मोर दे दिया, तो तीन बेटा तो चुप हो गए। अब आखिरी बेटा रह गया, तो मैया उसको चकडोरी भौरा या खिलौना होते हैं हमारे ब्रज के, चकडोरी होती है, भौरा होती है, परे वर्णन आया है कि सूर श्याम के सूरदास जी के पद में आया है कि नंद के बालक के उनकी यशोदा मैया समझा रहे कि बेटा नंद महल में से बाहर निकल के मत जाइयो खेलने के लिए, छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं। तो सूर श्याम घर ही क्यों ना खेलो लाल, लेव हंस मोर परेवा, छगन मगन इतनी बेरा का पद है, सिंगार का पद है, अष्टम प्यार का है। छगन मगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा, ये सिंगार का पद है। कलेवा करा रही मैया उनको और कह रही हैं, तो कह रहे हैं बेटा अगर दूर खेलन मत जाओ, दूर खेलन जाओगे तो हाउ पकड़ लेगा, हाउ खा जाएगा, अभी हाउ बिलाओ है जस दकुल पे। तो शेर उस समय में ऐसा था हमारा ब्रज, उस समय शेर भी रहती थी गैया भी, और शेर इतना प्रेम का गढ़ है बरसाना, 84 कोस की भूमि नंदगांव बरसाना, कि उसी घाट पर शेर भी पानी पीते थे और गैया भी पानी पीती थी। आज तो प्रेम चला गया, कहाँ पता नहीं पड़ता, नहीं तो शेर गैया अपने प्रेम के कारण अपनी हिंसा का स्वभाव छोड़ करके एक संग में गैया और शेर एक घाट में पानी पीती थी। तो मैया ने उपाय किया कि बेटा मेरा बेटा एक चुप नहीं, तीन तो बेटा चुप हो गए पर एक बेटा चुप नहीं हो रहा, रो रहा है, इसको क्या उपाय करूं। तो वो लाखों खिलौना दे के थक जाती है मैया, तो क्या करती, उठा करके तुरंत उठा करके उसको बेटा को गोदी में बिठा लेती और वो दूध पिलाने लग जाती, तो चुप हो जाता है। तो मैया ने सोचा कि अरे इसको तो हम कितना खिलौना दिए और ये बेटा तो दूसरी चीज चाह रहा था, अपनी मैया की गोदी चाह रहा था, गोदी में लेते ही चुप हो गया। तो ऐसे ही हम लोग भक्त हैं, श्री जी के चार विध भक्त बताए गए, यथार्थी आरती जिज्ञासु ज्ञानी च भर्तृस्व, गीता जी में अर्जुन के लिए कहे ठाकुर जी, तो देखो मेरे चार प्रकार के, मेरे को चार विधि से भजते हैं लोग, अर्थ धर्म काम मोक्ष के लिए भजते हैं। तो जब तक अर्जुन मेरी चाह नहीं करेगा, वो पैसा चाहेगा तो मैं पैसा अर्थ दे दूंगा, काम दे दूंगा, धर्म दे दूंगा, मोक्ष भी दे दूंगा, चारों पदार्थ दे दूंगा, पर वो हमको नहीं चाहेगा तो मैं उसके सामने नहीं जा सकता। जब वो सब कछु छोड़ करके जब मेरी चाह करेगा, जब मेरे दर्शन होते, तो जब ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं तो हमारे सब दुख मिट जाते हैं। ठाकुर जी के परम मंगल भवन या मंगलहारी बिहारी, तो रोने से जल्दी, हमारे महाप्रभु ने ये बताया, चैतन्य महाप्रभु ने, कि रोने से जल्दी, कृष्ण कृष्ण कह के रोते रहते थे कृष्ण ब्रह में। राधा रानी का अवतार है भाव राज का माधुरी कृष्ण अस्वादन सुकाज, जयती श्री कृष्ण चैतन्य कलि प्रगति ब्रजराज, को वृंदावन जान तो को राधा रसराम, जो नवद्वीप ने प्रगटते गौर हरि सुखदाम। एक विग्रह धारण करके राधा कृष्ण प्रगट भए। कलयुग के प्रथम चरण आज से 550 वर्ष पहले राधा रानी ने ही अवतार लिया था गौर महाप्रभु के रूप में, इसलिए उनका नाम गौर है, गौरांगी श्री जी है। तो भाव राधिका माधुरी अस्वादन सुखकाज, कृष्ण भीतर और राधा बाहर, और ये कई विग्रह में प्रकट भए और उन्होंने हरि नाम से बड़े बड़े दुष्टों का उद्धार किया, जैसे जगाई मधाई का उद्धार किया, बड़े बड़े उन्होंने प्रण किया था कि मैं इस अवतार में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो एक बार हरिदास जी और नित्यानंद महाप्रभु प्रचार कर रहे थे, तो उनको दुष्टों ने मार दिया, जगाई मधाई ने मारा मटका, तो सिर फूट गया, तो खून निकलने लग गया। तो खून देख करके चैतन्य महाप्रभु को नरसिंह आवेश हुआ, तुरंत नरसिंह भगवान प्रकट हो गए,
देख करके बता प्रभु किसने मारा है, मैं उसको अभी फाड़ूंगा। तो बहुत से भक्त बैठे थे, चारों तरफ घेर के बैठे थे। तो त्राही माम, सब भक्त हाथ जोड़ के त्राही माम पाही माम त्राही माम पाही माम, प्रभु आपका आज्ञा आपका वचन याद करो, आपने वचन दिया है, आपने प्रतिज्ञा किया है कि मैं इस अवतार में हथियार नहीं उठाऊंगा, नखून भी हथियार हो गए, इसलिए आप कृपा करो और हरि नाम से इनका उद्धार करो। और बाबा रोवऊ अलग अलग प्रकार को, हाँ, रोनो हुए। हाँ, रो। कोई कोई कष्ट आ जाए तो रोवे। हाँ। अब भगवान के सामने कौन से काम से भाव से रोना चाहिए? नाम ले लेकर के, चाहे किस किस भाव कुभाव आना खालस। ठाकुर जी का नाम ऐसा है कि जैसे अग्नि है, तो अग्नि में चाहे कोई जान के हाथ छू जाए चाहे अनजान के छू जाए, उसका काम जलाने का। नाम अग्नि के समान है, उसमें किसी को चीज को डालो, चाहे कोई पापी करे तापी करे पुण्यात्मा करे, कोई भी कर सकता है भगवान को, किसी समय में भी कर सकता है भगवान का नाम लेकर। विशेष करके रोने में यही कृपा होती, जैसे बच्चा को और कोई साधन नहीं है, केवल रोने का साधन है, तो रोने से जल्दी कृपा होती है। क्यों? कि जो बच्चा रो रहा है, और जैसे अभी हमने उदाहरण बताया कि बहुत से खिलौना, ये स्त्री लड़का बच्चा धन संपत्ति ये सब हमारे खिलौना है, जब तक भूला है मानव, जब सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाके एक आदमी में बैठ के रोता है, जंगल के, हाँ जंगल में जाके रोता है, लताओं के नीचे जाके रोता है कि श्री जी हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आप दर्शन दो बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल रोता है, और कोई उसको साधनहीन होकर के मैं कुछ उपाय नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, केवल काहू को बल भजन को काहू को आचार, व्यास भरोसो कुमार को सुवत पाप सार, काहू को शरण शंभू गिरजा गणेश शिष्य, काहू को शरण है कुबेर है सिधोरी को, काहू को शरण बदी बामन ब्याय बराय व्यास, काहू को शरण गोरी सावरी की जोड़ी को, कहें अभय राम एक राधा जी को जानत हो, हटी को शरण ब्रष्भान की किशोरी को, हट पूर्वक श्री राधा रानी की किशोरी को शरण है, और कोई में ने कोई आचरण काहू को बल है, कोई आचरण बड़ा नहाता धोता है, बड़ा आचरण करता है, कोई भजन करता है, तो ये सब भक्तों ने रो के बताया, हमारे रस परंपरा में रो के बताया कि श्री जी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, न कोई आचरण जानता हूँ, न कोई भजन जानता हूँ, न कोई पूजा जानता हूँ, मैं बड़ा मूर्ख हूँ। जैसे सूरदास जी भी कहे कि मैं बड़ा कुटिल हूँ, मैं बड़ा खल हूँ, मैं बड़ा कामी हूँ, मौसम कौन कुटिल खल कामी किस लिए हूँ, का जिन तन दियो वो नहीं बिसराए सो नमक हरामी, बड़ा बेईमान हूँ मैं कि जिन कृष्ण ने हमको बनाया है उन कृष्ण की गायों की सेवा करना छोड़ दिया, और उनके भक्तों की सेवा करना छोड़ दिया, और उनका नाम जप करना छोड़ दिया, और रात दिन तेरी मेरी में तो लगे ही हैं, संसार में तो लगे ही हैं, फंसे हैं संसार में। तो रोने का मतलब है ये साधन बताया गया, हमारे महाप्रभु ने प्रकट होकर राधा रानी ने स्वयं बताया। ब्रज की गोपियाँ भी बहुत रोई, ब्रज के गोपी गीत है, भ्रमर गीत है, भरा पड़ा है, जब अंतर ध्यान हो गए तो ब्रज की गोपियाँ रोई, बहुत रोई। आशेश्वर महादेव है नंदगांव में, तो जब लाला का जन्म हुआ था तो आए थे, तो मैया ने दर्शन नहीं कराया, तो थोड़ी दूर जा करके रोने लग गए, तो इतने रो इतना दुख हुआ उनके मन में कि रोते 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 आंखों में से पानी खत्म हो गया, तो इतना दुख, खून निकलने लग गए, भोले बाबा के, शंकर जी की आंखों में से खून निकलने लग गए, इतने रोए, रोने का प्रमाण देखो, जैसे ही रोए तो तुरंत कृपा भाई, तुरंत एक सखी को भेजा मैया ने, उनका एक बाबा आया था उसको बुला के लाओ, और सखी पहुंची, बाबा तो मैया बुला रही है, तो शंकर जी प्रसन्न हो गए, क्या अब तो बुलाई मैया, देखो ठाकुर जी ने हमारी रोने की विनती सुन ली, देखो रोने से कितने जल्दी कृपा होती, शंकर जी ने बताया। और ब्रज गोपी रोई, ब्रज गोपी रोई, जितने भक्त रहे, चैतन्य महाप्रभु रोए, मीराबाई रोती रोलती थी, आंसू बंद नहीं होता था, चैतन्य महाप्रभु इतने रोते थे, उनके जितने कपड़ा धारण करा दे सब भीग जाते तुरंत, तो रोने से जल्दी कृपा होती है, एक आधार है, साधन रोने का भी एक साधन बताया, बच्चा के सामने जैसे मैया के सामने बच्चा रोता है, ऐसा भक्त भी, हमारे गुरुजी भी इसी बात को कहते कि भगवान के सामने किसी की कोई नहीं, कोई चतुराई नहीं चलती, मन क्रम वचन छोड़ो चतुराई, वो भजते ही कृपा, जब मन और क्रम और वचन से अपनी चतुरता को छोड़ करके वो जब भजन करोगे तो तुरंत कृपा होती है, और जब तक हम अपनी चलाती रहेंगे, अपनी चतुरता सोचते रहेंगे, जब तक कुछ नहीं होने का, कोई साधन नहीं कर सकते हो। बोलो राधा रानी की जय, बरसाने बारी की जय। तो ये कितने सुंदर भाव हमारे बाबा के आपने सुने, तो अगर आपको भी कोई प्रश्न है बाबा से पूछना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकें, तो हम बाबा से आपके प्रश्न को पूछेंगे और आप तक वागू पहुंचाएंगे। तो एक ही संग आज हमें अनुमति दो, राधे राधे।